आज हम कक्षा 10वीं में जो हमारा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव वाला लेसन था उसको उसका भाग 3। अभी तक हमने देखा कि किसी जब विद्युतीय क्षेत्र में जब विद्युत धारा प्रभावित हो रही है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। आज हम पढ़ेंगे इसका उल्टा करते हैं कि जब किसी गतिशील चुंबक है चुंबकीय क्षेत्र के कारण उसके चारों ओर एक विद्युतीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है। तो हम देखते हैं कि जब किसी विद्युतीय क्षेत्र में हम चुंबक और चुंबकीय क्षेत्र और जो विद्युत क्षेत्र है विद्युत क्षेत्र है ये परस्पर आपस में लंबवत हो तो हमने देखा कि चालक में एक विशेष बल उत्पन्न हो जाता है। तो अभी हमने विद्युत धारा उत्पन्न करके चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया था। अब हम इसका उल्टा करें किसी गतिशील चुंबक करें और उसके द्वारा हम किसी भी परिपथ में विद्युत धारा उत्पन्न कर सकते हैं। आप ये चित्र के माध्यम से समझ सकते हो। ये एक परिनालिका है कुंडली है ए और बी आप देख रहे हो। हमने यहाँ पर एक उपकरण लगा दिया है धारा मापी। नाम से ही आपको लग रहा है धारा मापी जो हमें धारा को क्या कर देता है संकेत देता है कि धारा बह रही है। धारा बह रही है उसका संकेत कौन देता है धारा मापी। धारा मापी को हम गैल्वेनोमीटर भी बोल सकते हैं। गैल्वेनोमीटर अमीटर तो धारा को नापता है लेकिन ये धारा मापी हमें संकेत बताता है अपना विक्षेप दिशा बताता है कि धारा मापी यदि किसी परिपथ में धारा बह रही है तो हम धारा मापी से समझ जाते हैं कि इसमें उसके संकेत उसके विक्षेप से हम समझ जाते हैं ये जो कांटे लगे हुए हैं इससे। तो हम इस प्रकार एक परिपथ में देखिए आप कोई भी विद्युत का स्रोत नहीं है ये पूरी कुंडली इस धारा मापी से जुड़ी हुई है। अब हम एक चुंबक ये आप देख रहे हो ना ये इसका उत्तर ध्रुव है और इसका ये दक्षिण ध्रुव है। जब हम किसी चुंबक को गति करवाते हैं गति मतलब उसकी जैसे देखिए हाथ से इस प्रकार हम अंदर बाहर गति करते हैं तो हम देखते हैं कि इस तार में धारा मापी में विक्षेप उत्पन्न होता है। इसका मतलब इस परिपथ में विद्युत धारा क्या हो गई है उत्पन्न हो गई है। जब हम यहाँ लाते हैं और पीछे हटाते हैं तो हम जब दिशा चुंबक को गति करवाते हैं या ध्रुव बदल देते हैं तो इसमें विक्षेप उल्टी दिशा में प्रवाहित होता है। तो इस प्रकार हम किसी गतिशील चुंबक के द्वारा हम उपयोग करके हम विद्युत धारा क्या कर सकते हैं उत्पन्न कर सकते हैं। अभी हमने बताया आपको गैल्वेनोमीटर का दूसरा नाम इसको अपन बोल सकते हैं धारा मापी। धारा मापी तो ये धारा मापी क्या करता है हमें विक्षेप के द्वारा ये देखिए आप अपने इस उसके द्वारा ये यहाँ से हम दोनों तार के दो सिरे हम जोड़ सकते हैं ये हमें धारा की उपस्थिति का क्या देता है संकेत। धारा की उपस्थिति का हमें क्या देगा संकेत देगा। तो इस धारा मापी से हम धारा की उपस्थिति का हम पता लगा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार
विद्युत चुंबकीय जो प्रेरण की जो घटना होती है उसको एक चित्र के द्वारा समझाया गया है। तो इसमें हमने एक कुंडली ली है, इस कुंडली को हमने बैटरी, आप देख रहे हैं ना यहाँ सेल लगा हुआ, विद्युत स्रोत, ये बैटरी है, ये बैटरी है, तो इसके द्वारा हमने जोड़ दिया। और दूसरी कुंडली में आप देख रहे हो कोई बैटरी नहीं लगी हुई है, केवल धारा मापी लगा हुआ है। तो हम देखते हैं कि जब इसमें हम क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो इसके कारण ये बाजू वाली कुंडली में क्या हो जाता है कि एक प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। और यदि हम धारा की दिशा बदलते हैं तो यहाँ ये भी दिशा बदल जाती है, इसकी संकेतक या विक्षेप की दिशा क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो हम देखते हैं कि एक कुंडली से दूसरी कुंडली में एक विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। तो इस घटना को बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है कि जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच सापेक्ष क्या होती है, गति होती है, तो दूसरी कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। इसको हम बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और उत्पन्न हुई धारा को हम क्या बोलेंगे, प्रेरित विद्युत धारा। ये क्वेश्चन आता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहेंगे और विद्युत धारा किसे कहेंगे। अच्छा, जब जो उत्पन्न धारा है, प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हुई है, इसकी हमें दिशा नापना है कि किस दिशा में उत्पन्न होती है। तो एक फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, दाएं हाथ का नियम, इसके पहले आपने पढ़ा था फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, यह है दाएं हाथ का नियम कि यदि हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे और जो मध्यमा है, जो तर्जनी है, उसको परस्पर देखें आप लंबवत रखें, क्या रखें, लंबवत रखें, ये तीनों, ये इसके लंबवत और ये इसके लंबवत। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यदि चुंबकीय क्षेत्र और चालक की जो वो है वो लंबवत रहे, तो इस प्रकार हम देखते हैं जो अंगूठा है वो चालक में धारा की दिशा, और जो तर्जनी है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और जो मध्यमा है वो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को दर्शाएगा। तो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा नापने में हम फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम को लिखेंगे। दाएं हाथ का नियम यह है कि दाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि वो तीनों एक दूसरे के क्या हों, लंबवत हों। अभी ये नियम पूरा है, यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करती है तो अंगूठा चालक की गति की दिशा की ओर संकेत करेगा, और जो मध्यमा है वो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को दर्शाती है। यह है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम जो कि हमें प्रेरित विद्युत धारा की दिशा बतलाती है। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी आते हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं, और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखिए। धन्यवाद।